गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं। इसमें भी एक जो टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, उसी का क्वेश्चन है। और ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने सभी ने क्लास टेंथ में पढ़ी होगी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि कई सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, इफ़ sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज। साइन थीटा की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा, 4/5 या √3/5 या 2/5 या 3/5। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इन चारों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमको गिवन क्या है, sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन वन दे दिया या समीकरण एक दे दिया। ठीक है, एक हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे हमने क्या किया, sec स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके आगे इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, sec थीटा प्लस टेन थीटा, ए की जगह sec थीटा, बी की जगह टेन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल वन। ठीक है, अब sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टू, समीकरण एक से। तो यहाँ पर ये टू रख दो और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल वन हो गया। तो sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, वन बाई टू, इस टू से डिवाइड हो जाएगा इधर, तो ये वन बाई टू आ गया। ठीक है, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर दो या इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो जोड़ दो, क्या है, sec थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे में क्या है, sec थीटा माइनस टेन थीटा, प्लस जोड़ रहे हैं sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल, इधर क्या है, राइट हैंड साइड में टू, तो टू लिखा और प्लस करके जोड़ना है हाफ, प्लस हाफ, तो ये टेन थीटा माइनस का प्लस का कट गया, बचे के एक sec थीटा, दूसरा sec थीटा दोनों प्लस के हैं तो टू sec थीटा हो गया। टू sec थीटा इक्वल, इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, क्योंकि इसके पान वन करोगे, टू एलसीएम, दो दूनी चार प्लस वन, 5/2 आ गया। अब यहाँ से sec थीटा इक्वल आ गया 5/4 और एक फार्मूला होता है sec थीटा इक्वल cos थीटा इक्वल क्या होता है, 1/sec थीटा। तो sec थीटा की जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी उल्टी, हो जाएगी रेसिप्रोकल, 4/5 हो जाएगी। ये हमारी cos थीटा की वैल्यू आ गई। जब cos थीटा की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई है तो sin थीटा की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। देखो sin थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, एक फार्मूला यूज करना है और बस हमारी sin थीटा की वैल्यू निकल आएगी। कुछ नहीं है, शॉर्टकट में ही है, लेकिन थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है, वैसे सेकेंडों में हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू मुझे पता हो गई, 4/5 का होल स्क्वायर इक्वल वन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 × 16 स्क्वायर, 2 × 5 = 25, 4 × 4 = 16 इक्वल वन हुआ। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस, ये उधर जाएगा ट्रांसफ़र करके, पक्षांतर कर देंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 25 माइनस 16, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 25 से 16 गया, कितना बचा? 9/25 आया, ठीक है। इसका रूट लोगे तो साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 3/5। इसका रूट लोगे तो साइन थीटा इक्वल रूट 9/25। तो साइन थीटा की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई कितनी? 3/5। तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो प्लीज़ वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक। या चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।